जो लेक है, झील। हाँ, इससे अंदर मत जाओ भाई, एक बात सुन तो। अब कोई 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 मिनट पुलिस अब आवे, है कोई की मिनट, कोई कोई मिनट जा रही है भाव पुलिस। वहां पे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और ऐसी जर्नी में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और एक नई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, बेसिकली दिल्ली और हरियाणा के बीच में पड़ता है और ये सिरोही है, मतलब काफ़ी अच्छा यूनिक प्लेस है। तो मैं सोचा चलो ठीक है यार, फ्रेंड्स को दिखाता हूँ और चलते हैं, चल और देखते हैं। तो वीडियो पर बने रहना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा बाइक पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम बाइक पे और चलते हैं अब अपने डेस्टिनेशन पे, जो भी मैंने आपको बताया। वैसे प्लेस बहुत अच्छा है वो, मतलब एक तरह से जो कहते हैं ना कि कोई सी जगह में कुछ अलग ही, मतलब अलग सा प्लेस हो, तो उस तरह का है वो। तो मैं सोचा चलो यार चलते हैं और दिखाते हैं। एक तरह से उसे देखा जाए ना तो मिनी लद्दाख कहते हैं, बिकॉज है ही वो इस तरह से, मतलब कुछ अच्छा सा, मतलब पहाड़ हिल्स से, मतलब ऐसा लगता है जैसे आप पहुंचने के बाद ना, ऐसा लगता है जैसे आप हिल्स के बीच में आ चुके हो और बस मज़ा आता है। और लेक भी है वहाँ पे एक, तो इसलिए चलो यार चलते हैं, क्या दिक्कत है। एक बात तो है, अगर एक बार बाइक पे बैठ जाओ और निकल जाओ, सच में फिर नहीं मतलब ऐसा देख लगता कि हाँ हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं हैं। फिर तो बस ऐसा मन करता है अपना चलाए जाओ बस, और कुछ नहीं। वैसे अब देखा जाए ज़्यादातर तो हर चीज़ खुल चुकी है, तो पर अभी ये थोड़ा कोविड वगैरह और ये थोड़ी है दिक्कत, अदरवाइज़ वैसे तो कोई प्रॉब्लम रही नहीं। और आप सब ने न्यूज़ भी सुनी होगी कि हिमाचल तो आई थिंक हर तरफ से खुल चुका है, कोई वहाँ पे मतलब कोई भी वो चीज़ नहीं चाहिए कि हाँ कोरोना की चाहिए रिपोर्ट वगैरह या फिर ई पास वगैरह, कुछ नहीं चाहिए। आप मतलब हिमाचल में जा सकते हो बिना किसी टेंशन के। तो अगर आपको घूमना है तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना इंसान है, इंसान गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे हो। तो हर चीज़ को मतलब पॉजिटिव ही लेना चाहिए, ना कि उसे नेगेटिव में लेना चाहिए, जिससे कि आपको मतलब हर काम में कोई परेशानी नहीं आएगी। बिकॉज आप पहले ही अगर ये सोच लोगे कि ये काम नहीं हो सकता है तो आई थिंक फिर शायद वो होए ना। तो इसलिए अपना जो माइंड है ना वो एकदम पॉजिटिव की तरह बेशक मैं मानता हूँ ज़्यादा मतलब अच्छा मैं नई कंटेंट बना पा रहा हूँ, बट इतना मुझे ज़रूर पता है क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, 3 महीने हुए हैं, तो थोड़ा बहुत तो मतलब समझने में और थोड़ा हर चीज़ की सेटिंग बैठाने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है, सबको पता होगा। तो जैसे ही टाइम अगर सही हो गया, मेरा हिसाब बन गया, उसके बाद देखना इस वीडियो इस चैनल पर आपको कैसे कैसे कंटेंट और कैसी कैसी जर्नी, कैसे कैसे ब्लॉग्स आपको मिलने वाले हैं। तो आप भी कहोगे कि हाँ मतलब हमने अगर इस चैनल को, ऐसी जर्नी को सब्सक्राइब किया है तो कोई गलती नहीं की है। तो ये चीज़ आपको मिलने वाली है बहुत ही ज़्यादा जल्दी।
अभी मैंने एक मेट्रो की भी वीडियो बनाई थी जब 12 सितंबर को ऑल लाइंस ओपन हो गई थी, तो उस टाइम मैंने दिखाया था उसके अंदर कि क्या हाल है, मतलब मेट्रो के अभी चालू हुई है। तो अगर आपको वाली वीडियो देखनी है तो मैं इस वीडियो में उसका आई लिंक मतलब डाल दूंगा मैं, तो आप देख सकते हो उस वीडियो को। बिल्कुल मतलब उसमें बहुत कम ही, मतलब काफ़ी लोग कहते हैं ना अभी डर है लोगों को कोरोना का, तो इस वजह से अभी इतनी भीड़ वगैरह भी नहीं थी। बट हाँ, धीरे धीरे डर और खुलेगा, सब आएंगे जाएंगे तो फिर सब चीज़। थोड़ा कुछ अच्छी, कुछ ज़्यादा ही मतलब ग्रीनरी सी लग रही है, तो मैंने सोचा चलो ग्रीनरी भी दिखाते हैं। वैसे ये है, कोई ज़्यादा थकावट तो हो नहीं रही बिकॉज मौसम भी सही है। वहीं पर थोड़ा दिल्ली में ज़्यादा अजीब सा था, मतलब धूप वगैरह थी। यहाँ तो पीछे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा मौसम था, और यहाँ है कि बस थोड़ी बहुत है कि ज़्यादा नहीं है, इसलिए ज़्यादा फील भी नहीं हो रहा और आराम से कर रहे हैं राइड, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी गाय माता, और ये देखिए थोड़ा फील ऐसा हो रहा है जैसे कि गाँव में, बिकॉज थोड़े थोड़े घर वगैरह ही बने हुए हैं ना, छोटे छोटे से जो होते हैं वो एक मंजिल के खाली मिट्टी वाले, उस तरह के घर बने हुए हैं। तो मज़ा आ रहा है, पूरा फुल एंजॉय। पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ नया ताज़ा सीन। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे और बस पहुंचने वाले हैं। ये थोड़ा माहौल कुछ ऐसा है यहाँ का। चलिए, और तेरी कुछ सीन ही अलग है यहाँ पे। तो ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गांव में घुस गए। और इधर है, ये थोड़ा गलत हो गया है। इधर को है? ले ओ, ये बच्चे हैं। हाँ ओके, तो ये बच्चों ने बताया मुझे, ये गूगल जी पता नहीं कैसे बता रहे थे। तो ये हम आ चुके हैं सिरोही की गलियों में, आने वाले हैं, बस चलते हैं। और ये देखिए, ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, बस ऐसे ही मस्त लग रहा है, कुछ भी कहिए। ये देखिए पूरा एकदम ऐसे जैसे गांव होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। ओए होए 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 होए, चलिए चलते हैं आगे को।
और देखते हैं किधर को पड़ेगा। ये तो गूगल महाराज जी भी थोड़े कंफ्यूज है कहाँ से दिखाएं रास्ता, बिकॉज है ही कुछ ऐसी गली वली रोड सा, कुछ अलग ही है यहाँ का रोड, समझ ही नहीं आ रहा किधर को जाए। ये यही वाला रास्ता है, एक बार पूछते हैं बच्चे से। हाँ भाई, हाँ ये सिरोही कहाँ पड़ेगा? है? सिरोही कहाँ पड़ेगा? ये तो सिरोही। अरे वो जो लेक है, झील। हाँ इससे अंदर मत जाओ भाई, एक बात सुन तो, अब कोई 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 मिनट पुलिस अब आवे। है कोई की कोई कोई मिनट जा रही है पुलिस वहाँ पे। हाँ पुलिस आ सीधी लपकट के लेगा वहाँ से। हाँ। क्यों मत जाओ भाई, खामो को तुम्हारे रोड पे जाओ, अब इतने की 600 तक वहाँ से पुलिस वाली पकड़ के लेके गए। क्यों कुछ हो गया क्या वहाँ पे? नहीं नारे खाम कुछ नहीं हुआ, नारे बस ले गए, यही ले गए हैं। मत जाओ भाई कहीं। चलो अरे दे 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 चल देखता हूँ, वहाँ तक नहीं जा रहा यार, और क्या करूँ। ये तो देखिए क्या हाल हुआ पड़ा है रास्ते का, थोड़ा अलग ही है हाल यहाँ का। देखते हैं वहाँ, वैसे बच्चे बता रहे हैं कि वहाँ पे पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, बट फिर भी देखते हैं कुछ करते हैं, क्या हिसाब है क्या नहीं है, जो भी है करेंगे भैया। ये कहाँ से जाया जाएगा, ये रास्ते ही पता नहीं कैसे कैसे दिखा रहा है यार। यार वो झील कहाँ पड़ेगी भाई? झील है इधर को, इधर को कहाँ? ये सीधा वो पहाड़ के बीच में जो है। फ्रेंड अपना तो पोपट हो गया है, बिकॉज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, और क्या नाम, यहाँ पे कुछ कांड वगैरह हो गया है, शायद कोई मतलब मर वर गया है झील में, तो उसकी वजह से पुलिस वाले वहाँ पे हैं, और वो वहाँ पे किसी को जाने भी नहीं दे रहे हैं। तो मैंने 2-3 से वहाँ पे पूछा है, तो सब मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या नाम है, अभी वहाँ पे मना कर रहे हैं, और पुलिस वाले खड़े हुए हैं और चालान वगैरह काट रहे हैं। तो अब क्या करूँ मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, इतनी दूर से आया और यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया है, तो अब क्या करें। तो चलिए चलते हैं, और क्या करें, अगली बार नेक्स्ट टाइम देखेंगे, जब आना होगा तब बना लेंगे, बिकॉज़ अब क्या कर सकते हैं, जब वहाँ पे कुछ कोई ना कोई तो परेशानी हुई है, जब वहाँ पे पुलिस वगैरह ज़्यादा है। तो चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई और अच्छी सी में, और क्या नाम है, यहाँ भी देखते हैं, जब टाइम लगेगा तो यहाँ पे भी आएंगे। तो चलिए अभी बाइक पे चलते हैं और फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको दूर से ही दिखा रहा हूँ, ये देखिए, मतलब ऐसे हिल्स टाइप के ये एक तरह के यहाँ पे जो भी है जितने ही बने हुए हैं यहाँ पे, और यहीं पर ही है वो जो अब मैं सिरोही बता रहा था आपको, वो यहीं पर ही है। और ये देखिए ये हिल्स वगैरह यहाँ पे ये सारे बने हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और मिलते हैं एक और नई वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और SV जर्नी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन भी दबा देना।